कोल एंड माइंस में कर लेना, स्टार्ट हो गया क्या? मेरा सहयोगी मंत्री श्री सचित चंद्र दुबे जी, माइंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री वीएल कांताराव जी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑल्सो इंडियन मेन्स ब्यूरो के कंट्रोलर जनरल श्री संजय लोहिया जी, आईबीएम के चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस पी एस शर्मा जी, अलग अलग प्रांतों से स्टेट गवर्नमेंट्स के माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और अतिथिगण इस कार्यक्रम में सम्माननीय स्टार्स एंटरप्रेन्योर स्पेशली फाइव स्टार रेटेड की माइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया के मित्रों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज सबसे पहले मैं फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले सभी इस माइनिंग परिवार को भारत सरकार की ओर से और हमारे माइनिंग मिनिस्ट्री की ओर से मैं हृदय से आप सब लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हम माइनिंग मिनिस्ट्री में माइनिंग इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना, उनको कदम से कदम मिलाकर देश के निर्माण में साथ लेकर जाना हमारा कर्तव्य है। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ने बहुत साल पहले से इस कार्यक्रम का आयोजन करके हर साल ये कार्यक्रम निर्वहन करते हैं। माइनिंग सेक्टर में जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सेलेंस्ड परफॉर्मेंस करते हैं और अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए ये फाइव स्टार रेटिंग आप लोगों को देते रहते हैं, बहुत खुशी है। सभी लोग अपने अपने माइनिंग्स में फाइव स्टार के लिए भी हो, अगर एक सोशल कमिटमेंट के साथ आप लोग जो काम कर रहे इसके कारण से कुछ लोगों को 9 इयर्स, कुछ लोगों को 5 इयर्स, कुछ लोगों को फर्स्ट पहली बार ऐसी फाइव स्टारिंग रेट का अवार्ड आप लोगों को मिला है। यह कार्यक्रम भारत में माइनिंग कम्युनिटीज के अधिक प्रयास और डेडिकेशन का एक बेंचमार्क है, एक प्रमाणीकरण है। आप लोग जो काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में उसके लिए आपको सम्मानित करना, आपको प्रोत्साहन करना, ये बेंचमार्क को और आगे ले जाने के लिए आप लोगों को सरकार के तरफ से प्रोत्साहन करने का एक छोटा प्रयास का कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को और समस्त हमारे माइनिंग परिवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो सोच अपनाते हुए आप लोग काम करते हैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने इस सिस्टम को और अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए एक वर्कशॉप भी आयोजित किया गया। इस नेशनल वर्कशॉप में माइनिंग इंडस्ट्रीज के
अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आया है, उनका विचार और सोच बांट लिए हैं। उस सुझाव के आधार पर इस साल 31 मार्च को रिवाइज्ड स्टार रेटिंग सिस्टम लागू किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि माइनिंग इंडस्ट्री और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, समन्वय और आगे बढ़ने के लिए काम करने का जो सोच है, मैं इसके भी आप लोगों को अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री सभी डिपार्टमेंट इसी तरह माइनिंग परिवार को स्टेक होल्डर्स के साथ पूर्ण सहयोग के काम करते आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के आयोजन केवल माइनिंग इंडस्ट्रीज में हेल्थी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उन्हें न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना और इसी प्रदर्शित करने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म इसी कार्यक्रम के द्वारा होते हैं। मित्रों, माइनिंग इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के एक फाउंडेशन का बड़ा पिलर है। माइनिंग इंडस्ट्री ये सेक्टर हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट और बड़ा सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पिलर है। ये भारत मिनरल रिसोर्सेस में बड़ा संपन्न है।